कैसे हैं आप? आज हम बनाने वाले हैं मटन बोटी टिक्का, बिना ओवन, बिना तंदूर, बिल्कुल होटल जैसा। आइए देखते हैं हमें किन किन चीजों की। मैंने 1 किलो बकरे का मटन लिया है, जिसे मैंने ऐसे पीसेस में कट करके रख लिया है। 1 कप दही, 4 से 5 हरी मिर्चों का मैंने दरदरा सा पीस लिया है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू। सूखे मसालों में मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, चाट मसाला पाउडर आधा चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने तंदूरी मसाला लिया है, ये ऑप्शनल है, पर हम बोटी बना रहे हैं तो उसमें तंदूरी मसाला डालने से बोटियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेंगे। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी, दही, हरी मिर्च, अभी सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं एक कुकर रख लिया है। अब मैं सारा मैरिनेट किया हुआ मटन कुकर के अंदर ऐड कर दूंगी। पूरे बैटर को अच्छी तरह से फैला देंगे। हमें इसमें पानी जरा भी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं मैंने पूरा बैटर अच्छे से फैला दिया है। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसकी 5 सीटी ले लूंगी, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है और हमने दही ऐड किया है तो दही में भी पानी निकलता है, तो उसी में हमने 5 सीटी ले ली है और इसकी गैस भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुकी है। आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जरा भी पानी नहीं है, पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। आइए हम गोश्त चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। मैं ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब हम बोटियों को इसमें हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। मैं इसे अब ढक के रख दूंगी 3 मिनट के लिए। इसे खोल के चेक कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये एक तरह से अच्छे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे पलट के दूसरे साइड से गोल्डन फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं सभी पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे थोड़ा साइड में कर लेंगे। हम एक कटोरी रख दूंगी, कांदा रख दूंगी, इसे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और इसे ढक के रख देंगे। मैंने गैस बंद कर दी है। इससे कोयले का जो फ्लेवर है वो हमारी बोटियों में बहुत अच्छा है। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा लूंगी, कटोरी निकाल रही है। इसमें कोयले का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे सर्व करते हैं। बनके तैयार है हमारी मटन बोटी टिक्का। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।